हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट डिलीशियस। आज की जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर वाइट ग्रेवी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और यमी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल रेसिपी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, उसको क्यूब्स में काट लिया। आप किसी भी शेप का इसको रख सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड है ये 4 टीस्पून। यहाँ पे मैंने फ्रेश अमूल क्रीम यूज़ करी है 2 टीस्पून। इसके बाद मैंने ये कसूरी मेथी ऐड करी है 1 टीस्पून। इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, फिर उसके बाद मसल के डाला है। इसके बाद मैंने ये 2 टीस्पून जो है कॉर्न स्टार्च ऐड किया। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है आप मैदा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ लेमन यूज़ किया है और ये है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पिसी हुई, और हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ किया है, आप चाहें तो वाइट सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। नमक आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। और इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला यूज़ किया है टेस्ट के लिए। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अब इसको अच्छे से कोट कर लेंगे और ये हमारा रेडी हो गया है। इसको हम कम से कम हाफ एन आवर के लिए रखेंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए। इसको फ्रिज में मैंने रखा है और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, जो कि हमने मैरिनेटेड हमारा जो पनीर है उसको हमें हल्का सा फ्राई करना है। सो हम यहाँ पे अपने सारे पनीर के पीसेस जो हैं इसमें डाल देंगे और उसको अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज तक ही हमें बनाना है, अदरवाइज़ हमारा जो पनीर है चीवी हो जाएगा। और ये जो ग्रेवी हमारी बची है इसको हम साइड में रख देंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। सो विद इन 2-3 मिनट में ही हमारे सारे पनीर जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं किया, बस ज़रा सा कलर चेंज करते उसको उलट पलट करके मैंने इसको रेडी कर लिया है। ये हमारा हो गया है रेडी। अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम लेंगे अपनी कढ़ाई, उसमें मैंने थोड़ा ऑयल लिया हुआ है। और यहाँ पे मेरी ये एक बड़े साइज़ की अनियन है जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। अब हमें ये अनियन जो है थोड़ी सी हमें ट्रांसलूसेंट करनी है। थोड़ी मैंने रेड ग्रीन चिली ली हुई है और ये थोड़े से काजू हैं। इन सबको हमें एक अच्छे तरीके से भूनना है। अगर आप इसे भूनेंगे नहीं और आप जब इसको पीसेंगे तो ये फिर प्याज जो है बहुत मीठी लगेगी, तो इस वजह से इसको ट्रांसलूसेंट करना ज़रूरी है। ब्लैक नहीं करना है हमें, क्योंकि हम ये वाइट ग्रेवी बना रहे हैं तो इसलिए हमें इस पोजीशन पे आके इसको निकाल लेना है। और इसे हम सारा जो है ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंडर में हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी जो है अनियन और जितना भी था सब था हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने उसी वेसल में थोड़ा सा ऑयल लिया है, सेम ऑयल है, थोड़ा उसमें ऐड किया मैंने। और यहाँ पे मैंने लौंग, इलायची, जावित्री थोड़ी सी और थोड़ी दालचीनी की लकड़ी ऐड करी, इसको सौते किया। उसके बाद मैंने 2 टीस्पून जो है अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद जो है हम इसे कम से कम 30-40 सेकेंड तक इसको सौते करेंगे। और जो हमने अभी अपना अनियन का मसाला बनाया था ये पूरा ग्राइंडर में मैंने पीस लिया है, उसको मैंने ऐड कर दिया है। उसके साथ ही जार में थोड़ा पानी डाल के मैंने उसको भी जो भी बचा हुआ था वो उसी में ऐड कर दिया। अब हमें इस मसाले को अच्छे से भूनना है। इसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है और इसको हम मिक्स करेंगे। स्लो आंच पे मैंने रखा है क्योंकि अभी ज़्यादा पानी नहीं है तो हो सकता है ये जलने लगे। सो आप इसे स्लो आंच पे धीरे धीरे पकाइए तो इसमें बहुत अच्छा सा एक अच्छा टेक्सचर भी आएगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। इसी के साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था, सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। सो तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको भूनने के बाद अब जो है हमारा जो मसाला बचा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
क्योंकि इसमें क्रीम दही सब कुछ एडेड था, तो इसमें अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं। और ये पूरा मुझे 10-12 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से स्लो आंच पे और हाई फ्लेम पर भी इसको भूना है। सो आप देख सकते हैं इसका ऑयल सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे एकदम सही टाइम है इसमें ऐड करने का, हमने जो अपने पनीर रेडी किए थे। सो पनीर मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसके बाद हम इसे जेंटल मिक्स देंगे। इसको अच्छे से कोट करने के बाद जो है, और आप बहुत तेज़ चम्मच मत चलाइए अदरवाइज़ आपके पनीर टूट सकते हैं, तो बहुत ही स्लो हाथ से आप इसको ऐसे चलाते हुए करिए। और इसको अब हम कम से कम 3-4 मिनट तक ढक करके पकाएंगे। यहाँ पे मैं आपको 3-4 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। ये देखिए ऑयल एकदम सेपरेट हो चुका है और ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी हमारी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है। आप उसको ढक करके रख देंगे। सो ये थी आज ही बहुत ही सिंपल रेसिपी पनीर की। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।